77वीं कक्षा योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद में अष्टांग योग का वर्णन करते हुए यम नियम के भेदों को बताया और पिछली कक्षा में हमने नियमों के पांचों भेदों तक पूरा किया। नियमों में अंतिम ईश्वर परिधान और ईश्वर परिधान को प्रथम पाद में भी विशेष महत्व दिया गया और साधना में ईश्वर परिधान का बहुत अधिक उपयोग भी होता है। उपाय भी अच्छा है और साथ में चूंकि ईश्वर जुड़ा हुआ है इसलिए इसे सभी यम नियमों में ऊंचा भी माना जाता है। कुछ व्यक्ति इसको सबसे ऊंचा मानते हैं कि यदि ईश्वर परिधान है तो बाकी के यम नियम भी जीवन में आ जाएंगे और यदि ईश्वर परिधान नहीं है तो बाकी के यम नियमों का पालन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, विशेष रूप से यमों का। इसलिए इसको यम नियमों में सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। और जैसा कि हमने पीछे देखा था कि यम नियम में यदि तुलना की जाए तो यमों का महत्व अधिक है, वो प्रमुख है। ईश्वर परिधान में जैसा कि प्रथम पाद में भी आया था तो कहा ईश्वरस्तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण, ईश्वर अपने संकल्प मात्र से उसको अनुग्रहित कर देता है, उसको समाधि की शीघ्र प्राप्ति करा देता है। आसन्नतम समाधि लाभ होता है, समाधि की प्राप्ति होती है, उसके उपायों की प्राप्ति उसको बहुत शीघ्रता से हो जाती है। और दो तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं साधक भी, एक होते हैं जो बहुत कठोर नियमों का कठोर परिश्रम का आलंबन करते हैं, बहुत सारे नियम पालन करते हैं, अपने ऊपर बहुत सारे नियम लगाते हैं। हर कोई वैसा नहीं कर पाता, उसको कठिन प्रतीत होता है इतने नियम बंधन आदि। इनका जीवन तपश्चर्या पूर्ण होता है, कठोर होता है, बहुत संयमित रहते हैं। दूसरी तरह के साधक होते हैं जो ईश्वर परक चिंतन ध्यान इसमें अधिक रुचि रखते हैं, नियमों की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है, अधिक नहीं होता है, कठोर नियम नहीं रखते हैं। और वो भी दिशा होती है कि हम सहजता से यम नियमों का पालन करने लग जाते हैं, ईश्वर परिधान करते हैं, ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, भावना बनाते हैं, तो यमों का पालन प्रयत्न पूर्वक न होकर के वो अपने आप सहज होने लग जाते हैं। प्रयत्न करने में जो श्रम लगता है वो इनको नहीं होता है। दूसरे व्यक्ति जो कि यम नियमों का पालन कठोरता से करते हैं, श्रम करते हैं, यत्न करते हैं, उनको देख करके इन्हें लगता है कि ये व्यर्थ में अपना समय लगा रहे हैं, इतना परिश्रम करने आवश्यकता ही नहीं है, ईश्वर परिधान हो, ध्यान हो, ये चीजें तो अपने आप ही आ जाती हैं, जीवन में आ जाती हैं। उधर वो इनको देखते हैं ध्यान करने वालों को कि ये ध्यान तो इतना करते रहते हैं, ईश्वर की बात तो इतनी करते हैं, लेकिन यमों का तो पालन करते नहीं, इनमें तो ये शिथिलता है। तो दोनों ही दृष्टियों से चला जाता है, दोनों ही तरह के साधक हमारे को दिखाई देते हैं, जो नियमों पे यानी कुछ व्रतों पे अधिक केंद्रित रहते हैं, यमों का पालन अधिक करते हैं, उस दृष्टि से नियम अधिक लेते हैं यानी व्रत अधिक लेते हैं, उनकी ईश्वर के प्रति रुचि कम होती है, ईश्वर के प्रति ध्यान, समर्पण, ईश्वर परिधान आदि वो नहीं बना पाते उतना। उनको कहो आप ये कठोर नियम का पालन करें, ये व्रत लें, उसको कर लेंगे, लेकिन ईश्वर के प्रति भावना बनाने में उनको दिक्कत आती है, नहीं कर पाते वो।
तो ठीक है, ऐसे व्यक्ति ईश्वर के दिए आदेशों को इस ढंग से पालन करें, वो भी ईश्वर का मानना ही है, वो भी आगे तक पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे उनमें भी ईश्वर के प्रति रुचि हो जाती है। दूसरी तरफ जो ध्यान साधना ईश्वर समर्पण भावना इस पर अधिक केंद्रित रहते हैं और व्रतों की को पालन करने में उनकी कठोरता नहीं हो पाती, वो कष्ट लगता है। तो चाहते तो हैं, मना तो कोई भी नहीं करेगा, जो व्रतों का पालन करते हैं वो भी मना नहीं करेंगे कि ईश्वर का स्मरण नहीं करना चाहिए, वो तो वो भी मानते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, कम होता है। और जो ईश्वर का स्मरण अधिक करते हैं ध्यान अधिक करते हैं वो भी अन्य व्रतों का निषेध नहीं करते हैं, पालन भी करते हैं लेकिन उसको करने में प्रयत्नशील नहीं हो पाते, यत्न नहीं कर पाते, उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, स्वभाव भी कुछ इस तरह का होता है। पर अगर वो ध्यान में ईश्वर के स्मरण में इसमें अधिक जाते हैं तो वो अंदर का भी परिवर्तन हो जाता है और अंदर परिवर्तन होने से फिर उनके व्यवहार भी यमों के अनुरूप होते हैं, विपरीत नहीं होते, दोनों तरह की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। तो ईश्वर प्रणिधान में परमात्मा के को संबोधित किया जाता है, उसकी कृपा पर अधिक निर्भर रहा जाता है। जो व्रतों का पालन करते हैं वो ईश्वर की कृपा पर कम निर्भर रहते हैं, या नहीं मुझे करना है मैं करूंगा, हमें करना है, परमात्मा जो देगा दे देगा, जो सहायता करेगा कर देगा, जिस ऊंचाई पे पहुंचाना है पहुंचाएगा, मेरे को अधिक करना है, मेरे को अपना प्रयत्न अधिक करना है, उनकी वो प्रवृत्ति रहती है। और दूसरी ध्यान साधना वाले जो रहते हैं ईश्वर प्रणिधान वाले, वो ईश्वर की कृपा पर अधिक निर्भर करते हैं, उसी पर ही छोड़ते हैं कि आप ही करो, आप ही मेरा उद्धार करो, आप ही मेरे को दोषों से बचाओ, आप ही मेरे को ले जाओ, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, आप ही कर सकते हैं, इस तरह के स्वभाव वाले। इस तरह के गीत भी फिर होते हैं, इस तरह की वाणियां भी होती हैं, लेख भी होते हैं, दोनों ही तरह की प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं। तो इस संदर्भ में महर्षि दयानंद का यजुर्वेद का एक भाष्य, एक मंत्र का वो संदर्भ के लिए आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं कि वचन ध्यान देने योग्य है, वो भी एक शैली है। शीर्षक में तो यह है कि सब मनुष्यों को उचित है कि सब करने योग्य उत्तम कर्मों के आरंभ, मध्य और सिद्ध होने पर परमेश्वर की प्रार्थना सदा किया करें। यह शीर्षक है, जो ये जिस मंत्र का उपदेश दिया जाता है उसमें ये शीर्षक दिया गया है। सर्वैर मनुष्य ही सर्वेशु कर्तव्येशु शुभ कर्मानुष्ठानेशु परमेश्वर सदा प्रार्थनीय इति उपदिश्यते। परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए। हिंदी में उसको खोल दिया कि कर्म के आरंभ में, मध्य में और सिद्ध होने पर, यानी पूरा होने पर परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, उस कर्म से संबंधित, उससे फल से संबंधित इत्यादि। ये यजुर्वेद के चौथे अध्याय का 28वां मंत्र है। परिमाग्ने दुश्चरितात् बाध स्वामा सुचरिते भज उदायुषा स्वायुषोध स्थाम स्थाम अमृताम अनु अस्थाम अमृतम अनु आयुषा उत अस्थाम अमृतान अनु। इसका भावार्थ महर्षि ने जो लिखा है, मनुष्यों को योग्य है कि अधर्म के छोड़ने और धर्म के ग्रहण करने के लिए सत्य प्रेम से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना किया हुआ परमात्मा शीघ्र अधर्मों से छुड़ाकर धर्म ही में प्रवृत्त कर देता है। प्रार्थना किया हुआ मनुष्य, प्रार्थना मतलब सत्य प्रेम से प्रार्थना करे, ये विशेषण तो जोड़ ही रखा है, पूरी सच्चाई से हम चाहते हैं कि ये दोष मेरा हटे। उसमें सच्चाई क्या होती है? तो प्रथम दृष्टया तो हमें यही प्रतीत होता है कि मैं वास्तव में इस दोष को हटाना चाहता हूं। बातचीत में, बोलचाल में यही कहेंगे कि ये दोष मेरे में नहीं रहना चाहिए, इससे अपयश होता है, ये होता है, पाप बनता है, शास्त्र से विरुद्ध है, मैं इस दोष को हटाना चाहता हूं, रखना नहीं चाहता हूं, इसमें पूरा ईमानदार है। तो बोले सच्चे स्तर पर परमात्मा के प्रति प्रेम तो होगा ही, वो तो सत्य प्रेम होना ही चाहिए। तो हम दोष को हटाना तो चाह रहे हैं, वैसे छूट नहीं रहा है वो, तो प्रार्थना का आलंबन लिया। अब इसमें सच्चाई क्या होती है? और दूसरी जो देखने की, हम ये तो कह रहे हैं कि दोष हट जाए,
लेकिन उस दोष के दोष की हानियों को हम पूरी तरह से नहीं देख रहे हैं, उसके कुछ लाभ भी देख रहे हैं अनुभव में, भावना के स्तर पर हमें अंदर संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि ये करने योग्य है, किया जा सकता है, ऐसा हमारे मन में बना हुआ है। ये तो कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूं इसको, मैं तंबाकू छोड़ दूं, मैं बीड़ी छोड़ दूं, मैं झूठ बोलना छोड़ दूं, लेकिन उससे जो सुख मिलता है, आनंद आता है, कुछ सुविधा होती है, ये भी उसको अनुभव में आ रहा है। अब ये वास्तव में हटाना नहीं चाहता है, ये सच्चाई नहीं है, एक तरफ अंदर से चाह भी रहा है और दूसरी तरफ अन्य कारणों से उसको हटाना भी चाहता है, वो नहीं हट पाएगा। तो जब सच्चाई से परमात्मा को प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना किया हुआ परमात्मा शीघ्र अधर्मों से छुड़ाकर धर्म ही में प्रवृत्त कर देता है। तो एक चिंतन तो यह है कि हमें ही अपने सारे दोष हटाने हैं, परमात्मा क्या करेगा इसमें, परमात्मा तो फल देगा बस। एक चिंतन यह भी है कि परमात्मा हमारे दोषों को हटा देगा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये मैं ईश्वर प्रणिधान ध्यान के पक्ष में जो अधिक रहते हैं उस दृष्टि से कह रहा हूं, उसकी पुष्टि में कह रहा हूं। ये हम जब प्रयत्न करते हैं बिना प्रार्थना के तब भी दोष हटते हैं, लेकिन ये प्रार्थना वाला भाग भी, और प्रार्थना पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में होती है ये तो निश्चित है ही, क्योंकि आगे स्वामी जी ने लिखा ही है यहां पर, पूर्ण पुरुषार्थ के बाद की प्रार्थना का प्रसंग है ये, क्योंकि प्रार्थना किया हुआ परमात्मा शीघ्र अधर्मों से छुड़ाकर धर्म ही में प्रवृत्त कर देता है। आगे लिखते हैं, परंतु सब मनुष्यों को यह करना अवश्य है। अगर पहली वाली पंक्ति को ही लें, वहीं तक का भाग लें महर्षि का, तो हमारे को क्या प्रतीति होगी, हमने प्रार्थना की सच्चे मन से, रो रो करके, खूब ऊंचे स्वर से बार बार विलाप करके, तो परमात्मा हटा देगा दोषों को। पर चूंकि महर्षि का हमें तात्पर्य वैसे भी पता है कि प्रार्थना को कब कहते हैं, पुरुषार्थ के बाद ही, पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ही प्रार्थना को वो स्वीकार करते हैं, वही प्रार्थना है सच्ची प्रार्थना, यानी पुरुषार्थ को मना नहीं कर रहे हैं यहां पर, वो तो हमें करना ही है। और ये बात उनकी अगले वचनों से भी होती है, परंतु सब मनुष्यों को यह करना अवश्य है कि जब तक जीवन है तब तक धर्माचरण ही में रहकर संसार व मोक्ष रूपी सुखों को सब प्रकार से सेवन करे। धर्माचरण में ही रह करके अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न हो कि हम धर्माचरण ही करते रहें। अब जो त्रुटियां हो जाती हैं वो प्रार्थना भी कर रहे हैं, यानी पुरुषार्थ तो हमें करना ही है, और उसके साथ साथ जो प्रसंग वशात आगे भी लिखा है कि संसार और मोक्ष रूपी सुखों को सब प्रकार से सेवन करें, सुखों का मना नहीं है, संसार के सुखों का सेवन, सुखों के सेवन का मतलब वो उपयोग की दृष्टि से, सुविधा होती है हमारे को वो उपयोग करना है, संसार के पदार्थ परमात्मा ने हमारे सुखों के लिए, सुविधा के लिए, प्रगति के लिए बनाए हैं, वो ले ले। सुखों का ये मतलब नहीं है कि जैसे विषय भोग में व्यक्ति फंस जाता है सुखों को लेने के लिए, उस सुख की तरफ तात्पर्य नहीं है महर्षि का, वो हो ही नहीं सकता है उस तरह का कथन, तो उस सुख का और मुक्ति सुख का हम सेवन करें। तो ईश्वर प्रणिधान का एक इस दृष्टि से महत्व रहता है कि हम ईश्वर को अर्पित होते हैं, अपने कर्मों को उसे अर्पित कर देते हैं, तो उधर से परमात्मा की सहायता भी इस दिशा में मिलती है। और जो व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पाते लेकिन यम नियमों का, विशेष रूप से यमों का पालन करते हैं, उस दृष्टि से उनकी भी बहुत ऊंची प्रगति होती है, और आगे चल करके वो भी ईश्वर विश्वासी हो जाते हैं, होना ही होता है। और जो ईश्वर विश्वास को लेके चल रहे हैं, आगे चल के उनको यमों का पालन जीवन में लाना ही होता है, ले ही आते हैं, कोई इधर से चलता है कोई इधर से, किसी की प्रमुखता रहती है। तो यम नियम का विवरण बताने के बाद में अब आगे का सूत्र देखते हैं। 33वें सूत्र की भूमिका में लिखा है, एतेषां यम नियमानां, ये जो पीछे यम नियम बताए गए और इनका पालन कैसे करें, क्योंकि समस्या सबके सामने है, पालन नहीं हो पाता है, तो क्या करें। 33वां सूत्र कहा, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क के द्वारा बाधन होने पर
वितर्क का मतलब है यम नियमों के विपरीत जो चीजें हैं उनको वितर्क कहा है। अहिंसा के विपरीत हिंसा हो गई, सत्य के विपरीत असत्य हो गया, इस प्रकार से सबका। वितर्क के द्वारा बाधित जब हम हो रहे हों, उससे जब बाधन हो तब क्या करें, तथा प्रतिपक्ष भावनम, उस वितर्क के प्रतिपक्ष विपरीत भावना करें, अंदर भाव बनाएं, उसकी हानियों को देखें। प्रतिपक्ष भावना ये होती है, उसके विपरीत। जैसे पक्ष और प्रतिपक्ष होते हैं, और प्रतिपक्ष पक्ष को के दोषी देखता है, प्रतिपक्ष जो भी होता है वो दोषी देखता है, उसको नीचे करता है। तो ऐसे ही हम उसको, उसके प्रति वितर्क के प्रतिपक्ष की भावना करनी है, इससे मेरे को क्या क्या हानि हो सकती है, ये मूल बात। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। प्रसंग यम नियम का है, वितर्कों को हटाने का है, उसमें बस एक और मुख्य उपाय यही कहा, प्रतिपक्ष भावनम, मूलभूत बात कही गई है और यही अंतिम उपाय है। परमात्मा की सहायता जो हमें प्राप्त होती है वो अपनी जगह पे है, किंतु हमारे द्वारा जो किया जाना है उसमें ये अंतिम उपाय है, मूलभूत उपाय है। उसके और भी उपाय हो सकते हैं, हम जब जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो या तो हम उससे बच जाते हैं, आलंबन से हट जाते हैं, वो भी एक प्रयास है प्रारंभिक, लेकिन मूल समस्या तो नहीं हटती इससे, मन को कहीं और लगा लेते हैं, ईश्वर का स्मरण करने लगते हैं, किसी मंत्र का या ओम का जप करने लगते हैं, इत्यादि हम कुछ ना कुछ करने लगते हैं। वो भी एक सीमा तक उपाय हैं, थोड़े उपाय हैं, उनमें भी जब हम ये प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रतिपक्ष भावना तो कर ही लेते हैं, हम क्यों उससे बचना चाह रहे हैं तो हमारे मन में भाव रहता ही है ये हानिकारक है इत्यादि, लेकिन ये मूल उपाय नहीं है। जब सीधे हम उस दोष को पकड़ते हैं, उस दोष की हानियों को देखते हैं, अहित को देखते हैं, तो स्वभाव ही है हमारा मन ऐसा ही होगा, आत्मा है का स्वभाव ही ऐसा है कि जिसमें हानि देखेगा उससे हट ही जाएगा, कभी नहीं करेगा, बस उस स्वभाव का यहां पर प्रयोग है। तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। व्यास भाष्य देखिए, इन्होंने उदाहरण देकर के समझाया कैसे प्रतिपक्ष भावना होती है। यदा से ब्राह्मण से हिंसादयो वितर्का जायरन, जब इस ब्राह्मण में, योग साधक में, आध्यात्मिक व्यक्ति में हिंसा आदि वितर्क उत्पन्न हो जाएं, एक भी या अनेक भी हिंसा आदि हैं, ये वितर्क हैं, उत्पन्न हो जाएं, क्या हनिष्यामि अहम अपकारिणम, मेरे अपकार को करने वाले, मेरी हानि करने वाले इस व्यक्ति को मैं मार डालूंगा। एक तो वो स्थिति है कि दूसरे ने हमारी हानि नहीं की लेकिन हम उसको मारना चाहते हैं विभिन्न कारणों से, लोभ के कारण से, क्रोध के कारण से, मोह के कारण से, वो तो आगे बताएंगे। और लेकिन ये क्योंकि ब्राह्मण के लिए, साधक के लिए बताया जा रहा है, तो वैसे तो वो नहीं हमारेगा दूसरे को, लेकिन अगर किसी ने अपकार कर दिया है हमारा, तब वितर्क उठ खड़ा हुआ। दूसरा हमारी हानि कर रहा है तब हमें कैसा उचित व्यवहार करना चाहिए, वो चर्चा पीछे हुई कि हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी है, कैसे अपनी रक्षा करनी है, और दूसरे को मारना भी हो तो क्या सोच के किस तरह से मारे, वो हिंसा में नहीं आएगा। लेकिन ये प्रवृत्ति क्या है अभी यहां पर जो बताइए, कि मन में एकदम आक्रोश उठ आ जाता है, इसने मेरी हानि की है, अपकार किया, तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, इसकी हानि करूंगा, इसको अपमानित करूंगा, इसको ये हानि पहुंचाऊंगा, इसके साथ ऐसा करूंगा, ये जो मन में आता है प्रतिक्रिया रूप में हानि पहुंचाने के लिए, द्वेष भावना, क्रोध से युक्त होकर के वो बात कही जा रही है। तो हनिष्यामि अहम अपकारिणम, जिसने मेरा अपकार किया इसको मैं मारूंगा, ये मारूंगा मतलब तो हिंसा का बताया, ये हिंसा का वितर्क उठा। और अनृतम अपि वक्ष्यामि, इसके लिए झूठ भी बोलूंगा मैं, इसने मेरी हानि की है ना, जब मेरे से पूछेगा या कोई बात आएगी मैं झूठ बोल दूंगा, और उसकी हानि पहुंचाने के लिए झूठ बोल रहा है, ये दूसरा वितर्क हो गया असत्य का।
मूल वही है कि इसने मेरी हानि पहुंचाई है तो इसको तो मैं सच सच नहीं बताऊंगा, इसको झूठा बताऊंगा, कुछ इसको और कुछ चीज बता दूंगा, उससे फिर ये परेशान होगा, इसकी हानि होगी, ये भाव छुपा हुआ है। अनृतम अपि वक्ष्यामि, द्रव्यम अपि अस्य स्वीकरिष्यामि, इसका जो धन है उसको चुरा लूंगा, छीन लूंगा मैं, ये चोरी की बात आ गई। मूल बात वही है, उसने मेरा अपकार किया है, भावना वही है, इसलिए हिंसा भी कर सकता है, उसके झूठ भी बोल सकता है, उसके धन को भी अपहरण कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब भी हो सकते हैं या कोई एक एक भी, जिसके मन में जैसा आए जो भी उसका विचार बने। आगे दारेषु अस्य व्यवायी भविष्यामि, दारा शब्द होता है, नित्य बहुवचन ही होता है संस्कृत के अंदर, दारेषु इसलिए बहुवचन पढ़ा गया है, पत्नी, इसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करूंगा, ये अब्रह्मचर्य के लिए बात आई। अब दारेषु बहुवचन देख करके ऐसा नहीं लेना है कि बहुपत्नी का समर्थन किया जा रहा है यहाँ पर, इसकी बहुत सारी पत्नियां हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करूंगा। स्त्री दारा शब्द स्त्रीलिंग में ही संस्कृत में प्रयोग होता है, एक होते हुए भी यही आएगा, इससे बहुत तो सिद्ध नहीं होता है। ये अब्रह्मचर्य का वितर्क आ गया है, प्रतिशोध की भावना है। परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामि, इसका जो परिग्रह है इकट्ठा किया हुआ है उसको मैं, उसका स्वामी बन जाऊंगा, उसको मैं ले लूंगा, ये अपरिग्रह के वितर्क, अपरिग्रह परिग्रह रूपी वितर्क आ गया, इसके पास तो नहीं रहने दूंगा मैं, अपने पास ले लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा, आवश्यक नहीं है, दोष भी देख रहा है, लेकिन इसके पास नहीं रहने दूंगा, भले ही मेरे पास यहां पड़ा रहे कैसा भी हो, फालतू भी पड़ा रहे, इसके पास नहीं रहने दूंगा, इससे तो छीन लूंगा। पीछे जो था द्रव्यमपि अस्य स्वीकरिष्यामि, वो चोरी के संदर्भ में था, और ये है अपरिग्रह के संदर्भ में, परिग्रह के संदर्भ में, दोनों में अंतर है। यूं तो दिखने में एक ही जैसा लगेगा, द्रव्यमपि अस्य स्वीकरिष्यामि, उसका द्रव्य भी ले लूंगा, चुरा लूंगा, और दूसरा है कि परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामि, इसने जो परिग्रह कर रखा है उसको मैं ले लूंगा। ये तो द्रव्य को लेना, ये तो मोटे तौर पर एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन दोनों में हमें भेद तो करना ही होगा, एक तो चोरी होता है और एक वैसे ही छीन लेना होता है। अब चोरी में कुछ चीजें ऐसी हैं कि मेरे को आवश्यक है वो मैंने ले लिया, उतना ले लिया मैंने, और परिग्रह की दृष्टि से मेरे को आवश्यक नहीं है तो भी इसके पास तो नहीं रहने दूंगा, छीन लूंगा। एक चोरी में होता है कि मेरे को जो चीज जरूरत है बस उसको चुरा लिया और कुछ नहीं, वैसे नहीं छीनता, लेकिन इसने मेरा अपकार किया है तो इसको चुरानी है इसकी चीज, कौन सी चीज चुराऊं जो मेरे को आवश्यक है, ये चीज मैं ले, मेरे काम आएगी, मैं इस रूप में जब लेगा तो उसको तो चोरी के रूप में लिया, और जब ये भाव है कि मेरे काम में हो या नहीं हो कुछ नहीं, इसके पास नहीं रहने देनी, इसके इनको हटा देना है, ये परिग्रह वाला वितर्क हो गया। दोनों में कुछ अंतर हमें करना होगा। तो ये पांचों यमों के विपरीत वितर्क इन्होंने यहां पर बताए। इसमें होता क्या है आगे, एवं इस प्रकार से उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण अतिदीप्तेन बाध्यमान तत्प्रतिपक्षान भावये। तो इस प्रकार से ये जो पीछे बातें गई, उन्मार्ग प्रवण, उन्मार्ग कहते हैं विपरीत मार्ग, गलत रास्ता, जो एक नियत रास्ता है, शास्त्रों ने जो नियम बता रखे हैं, व्यवस्था बता रखी है, धर्म का आचरण बता रखा है, उसके विपरीत जो इधर उधर जाते हैं उसको उन्मार्ग बोलते हैं, उन्मार्गगामी हो गया, जो नियत रास्ता है धर्म का है उससे भिन्न चीजों पर मन को ले जाना, व्यवहार करना, उसको उन्मार्ग कहते हैं। उन्मार्ग प्रवण, उन्मार्ग की तरफ प्रवृत्त हो रहा है, बढ़ रहा है वो, ऐसी प्रवृत्ति अभी किया नहीं है, उन्मार्ग प्रवण का मतलब विपरीत तरफ अभी भावनाएं जा रही हैं उसकी की। उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण, वितर्क ये विपरीत हो ही गया है हिंसा आदि, इसके ज्वर से, ये तो भावनाएं उबाल ले रही हैं अंदर, ये तो करना है इसका, ऐसे हानि करूंगा इसके साथ, ऐसा व्यवहार करूंगा इसके साथ, ये करूंगा, ये जो अंदर जोर से चल रहा है ये ज्वर है, तीव्रता को बता रहा है, वितर्क के ज्वर से
कहते हैं ना इसको लोभ का बुखार चढ़ गया है, क्रोध का बुखार चढ़ा है, ऐसे ज्वर चढ़ गया है वेग। तो उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण अतिदीप्ते न बाध्यमाने न बाध्यमाना, अत्यंत दीप्त हो गया है वो, वेग उठ गया है अंदर से, नहीं ये तो करना ही है, इसका छोड़ूंगा नहीं इसको। इससे जब वो बाध्यमान होता है, पीड़ित होता है, तब क्या करें, प्रतिपक्षान भावयेत, प्रतिपक्ष भावना को करें, थोड़ा है तब भी करें और ये ज्यादा है तब भी करें, ज्यादा है तब भी यही उपाय का काम देगा, समझ लेगी इससे क्या हानियां होने वाली है। क्या सोचे, क्या प्रतिपक्ष भावना करे, उसको आगे बता रहे। घोरेशु संसंगारेशु पच्यमाने न मया शरणम उपगत सर्वभूताभय प्रदाने न योग धर्म। घोरेशु संसंगारेशु, संसार रूपी अंगारे, अंगार मतलब कोयले जो जलते हैं, धधक रहे हैं, घोर हैं, बहुत प्रबल हैं। अब अंगारे तो दुख देते ही हैं, उस पर जब हमारा शरीर जाता है, जब हम अंगारों पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं थोड़ी देर तो वैसे ही बच जाते हैं, लोग दिखाते हैं प्रदर्शन, लेकिन अंगारों में ही हमें छोड़ दिया जाए कितना कष्ट होता है। तो अंगारे जैसे परेशान करते हैं, जलाते हैं, ऐसे ये संसार जो मेरे को जला रहा था, पीड़ित कर रहा था, दुख रख, तभी तो योग मार्ग में आया था वो। जिसको संसार कष्ट नहीं दे रहा है वो योग मार्ग में नहीं आएगा, अच्छी तरह नहीं चल सकता है। सामान्य तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा कष्ट होता है तो आ जाता है, थोड़ा सुख प्राप्ति के लिए आ जाता है, लेकिन जिसे ये लग रहा है कि संसार में रहते हुए तो मैं इन अंगारों में पक रहा हूं। घोरेशु संसंगार संसारांगारेशु पच्यमाने ना, मैं उसमें पक रहा था, भुन रहा था, ऐसी स्थिति थी। भुन जाता है तो वो व्यक्ति पक जाता है, पक जाता है मतलब अच्छे अर्थों में नहीं है, ये जीवन ही जब भुन जाता है, नष्ट हो जाएगा, इसमें भुन रहा हूं मैं, जैसे इसमें पीड़ित हो रहा हूं, तप्त हो रहा हूं, संतप्त हो रहा हूं, ऐसे मेरे द्वारा शरणम उपगत योग धर्म, मेरे द्वारा इस योग धर्म की शरण में आया गया है। कैसे, सर्वभूताभय प्रदान है ना, सब भूतों के प्रति अभय का प्रदान करते हुए, करने के द्वारा मैं योग की शरण में आया हूं। इनमें संतप्त तो हो रहा था, योग के शरण में आया हूं तो क्या भाव लेके, बस अब सब भूतों को, सब प्राणियों को बस अभय कर दूं, मेरे द्वारा किसी को भय नहीं हो, कोई मेरे से पीड़ित ना हो, कोई मेरे से हिंसित ना हो, इस भावना से। ये बहुत बड़ी भावना मानी गई है, सब प्राणियों के मन में मेरे प्रति अभय आ जाए, कोई भय न रहे। ये दूसरों के प्रति बहुत अच्छे व्यवहार में आता है, हमारे से कोई डरे नहीं, भय भी इतना हो, चिंतित ना हो, हमारे कारण कोई तनाव में ना आए, हमारे कारण से कोई दुखी ना हो, सबको ये विश्वास हो कि इससे हमारे को कोई खतरा नहीं है, हम निश्चिंत हैं, विश्वस्त हैं, क्योंकि वो यम नियमों का पालन कर रहा है, हमारे विपरीत आचरण करेगा ही नहीं है, एकदम निर्भयता। और जहां आशंका होगी वहां भय आएगा। तो ये एक व्रत लेकर के चला था, अपने यहां संन्यास की दीक्षा होती है वहां भी ये अभय वाली बात आती है कि मैं सबको निर्भय कर रहा हूं, अभय कर रहा हूं। यो दत्वा सर्वभूतेभ्यो भूतेभ्य प्रव्रजति अभयम गृहात्, जो सब भूतों को अभय प्रदान करते हुए घर से निकल पड़ता है, प्रव्रज्य की तरफ चला जाता है, घर से निकलते हुए ये व्रत होता है, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, जो हो गया हो गया पहले, अब मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, ये प्रव्रज्य का सन्यासी के लिए, ये साधक के लिए है। तो ये जो संसार के अंगारों में मैं पक रहा था, परेशान हो रहा था घोर, और उस समय मैं इसकी शरण में आया था कि अगर मैं इस संसार में दूसरों को भय देता रहूंगा, दूसरे मेरे को भय देते रहेंगे, तो मैं ऐसे ही पकता रहूंगा इस संसार के अंगारों में, इसमें कोई इससे छुटकारा नहीं है, वो मेरे को करेंगे, मैं उनको करूंगा, और आपस में एक दूसरे को पीड़ित करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, चाहे घर वाले हों चाहे घर के बाहर वाले हों। तो इसका उपाय क्या है, सबको अभय प्रदान कर दो, मेरे द्वारा किसी की हानि ना हो,
ये व्रत लेकर के चलाता है कि मैं दूसरे को पीड़ित करता हूं तो वो भी पीड़ित होता है, वो मेरे को पीड़ित करता है और वो दुष्चक्र चल पड़ता है। शुरुआत कहां से करें, मैं दूसरों को अभय प्रदान करता हूं, ठीक है। दुष्ट लोग फिर भी हमारी हानि कर सकते हैं, दुख पहुंचा सकते हैं, पर हमारी तरफ से प्रयास क्या है कि मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यही एक शरण है इस संसार के अंगारों से बचने के लिए। तो मैंने तो ये प्राप्त किया था, मैं तो इस तरफ आया था, अपने को स्मरण कर रहा है। अभी ये वितर्क उठे हुए हैं मन में, तो कर रहा है कि मैं तो ये सब सोच के इस रास्ते पे आया था। तो सखलु अयम त्यक्त्वा वितर्कान, मैंने इन वितर्कों को छोड़ा था। जब सबको अभय प्रदान करनी है तो वितर्क भी छोड़ने पड़ेंगे। जो दूसरों को अभय कर रहा है वो कैसे यमों के विपरीत आचरण कर सकता है? तो इन वितर्कों को छोड़ करके पुनस्तान आददान, फिर से उनको ग्रहण कर रहा हूं मैं, फिर उसी तरफ जा रहा हूं। तुल्य स्ववृत्ते न इति भावयेत, बोले मैं तो कुत्ते की तरह से, कुत्ते के व्यवहार की तरह से हो गया। जैसा कुत्ता व्यवहार करता है ऐसा व्यवहार कर रहा हूं, अपने प्रति ग्लानी कर रहा है। कुत्ता कैसा व्यवहार करता है उसको आगे बता रहे हैं। यथा श्वा वांतावले ही, जैसे कुत्ता उल्टी किए हुए को खा जाता है। जिसकी उल्टी की, जिसको निकाल दिया, जो अनावश्यक समझा, उसी को फिर से खा लेता है। तो मैंने भी इन यमों को अनावश्यक समझा था, हानिकारक समझा था, और मैंने हटा दिया था, एक तरह से वमन कर दिया था, मैंने अपने जीवन से हटाया था। अब उल्टी करके फिर से मैं उनको अपना रहा हूं, जिसको मैंने हानिकारक समझ के छोड़ा था उसी को मैं फिर अपना रहा हूं। ये तो मैं कुत्ते की जैसी प्रवृत्ति वाला हो गया, निंदा के रूप में ही है। यथा श्वावांतावले ही तथा त्यक्तस्य पुनरआददाना इति, इस छोड़े हुए को फिर से ग्रहण करता हुआ मैं भी उसी की तरह से हो गया। एवं आदि सूत्रांतरेषु अपि योज्यम, इसी प्रकार से अन्य सूत्रों में भी घटा लेना चाहिए। यम नियम पे, उसके अलावा भी योग के जो अन्य अंग हैं वहां भी इसी तरह से सोचना चाहिए। यानी प्रतिपक्ष भावना, जब जब वितर्क आए, विपरीत भावना आए, तो उसके लिए प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, मूलभूत बात है। कुछ और भी आगे बताएंगे प्रतिपक्ष भावना का स्वरूप, हानि को देखना, और ये आत्मा का स्वभाव है। इससे संबंधित मनुस्मृति में एक श्लोक मिलता है, 11वें अध्याय का 229वां श्लोक। यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतम कर्म गर्हति, जैसे जैसे इस मनुष्य का मन बुरे कर्मों को निंदित करता है, ग्रहा करता है, छोड़ने योग्य है, गलत है, ये बहुत खराब है, ऐसे उसकी ग्रहा करता है, निंदा करता है, आलोचना करता है दुष्कर्मों की, अपने दुष्कर्मों की। तथा तथा शरीरम तत्तेन अधर्मेण मुच्यते, वैसे वैसे उसका शरीर उस अधर्म से छूटता जाता है, इसे ग्रहा से, निंदा से। निंदा क्या है? ये प्रतिपक्ष भावना ही है, हानि देखने लग जाए, बिल्कुल मूल बात कही गई है। और यहां का मूल उपाय ही योग दर्शन का ये है, हानि देखने लग जाओ, जिससे छूटना है उसकी हानि देखेंगे बस, जिसकी हानि देखते हैं उसकी तरफ हम नहीं बढ़ते, और जिस जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो जो कर रहे हैं, हम उसमें हानि नहीं देख रहे हैं, लाभ देख रहे हैं। विकल्प नहीं है तो कम हानि देख रहे हैं, अधिक हानि की चीज को छोड़ के कम हानि को ले रहे हैं, जो भी स्थिति है, लेकिन हम उसमें लाभ देख रहे हैं। तो हानि को देखना ये ही प्रतिपक्ष भावना है। तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। तो सूत्र के अंदर तो केवल प्रतिपक्ष भावना शब्द था, व्याख्याकार ने, व्यास जी ने उसकी व्याख्या कर दी, लेकिन सूत्रकार भी आगे स्वयं बता रहे हैं कि प्रतिपक्ष भावना है क्या, उसका स्वरूप बता रहे हैं। अब यहां चूंकि दोषों को हटाना है इसलिए प्रतिपक्ष भावना है, और जो वितर्क नहीं है, उचित चीजें हैं अहिंसा आदि, उनके प्रति भी भावना की जा सकती है, वो इसमें हम अर्थापत्ति से ले लेते हैं। ये प्रतिपक्ष भावना है, वो सपक्ष भावना है, या पक्ष भावना है, या सपक्ष भावना कह लीजिए। इससे ये लाभ होगा, इससे ये अच्छा होगा, इससे ये सुख मिलेगा, इससे ये हित होगा इत्यादि, ये सोचना, ये पक्ष भावना या सपक्ष भावना या अनुपक्ष भावना, ऐसे किन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ये प्रतिपक्ष भावना है। ये दोनों ही तरह से काम करता है।
और दुनिया में हम देखते हैं, हमारे अन्य सब विषयों के अंदर हम देखते हैं, सबके अनुभव हैं। हमने कोई चीज छोड़ी है तो उसकी हानियों को देख के छोड़ा है, कुछ ना कुछ हानि देखी है, प्रतिपक्ष भावना कुछ ना कुछ हुई है, तब हम छोड़ पाए। और जो चीजें अपनाई हैं उसमें कुछ लाभ हमने देखा है तो हमने अपना लिया। जैसा अन्य छोटी छोटी चीजों में होता है ऐसा ही यहां पर भी होगा, बिल्कुल वो की वही प्रक्रिया लगेगी। तो प्रतिपक्ष भावना क्या होती है उसको सूत्रकार स्वयं बता रहे हैं, 34वां सूत्र, वितर्का हिंसादय। पहले तो बताए वितर्क किसे कहते हैं, बोले हिंसा आदि वितर्क है। अब उसके भेद उपभेद बता रहे हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो कहा कृतकारित अनुमोदिता, कृत कारित और अनुमोदित होते हैं ये। कृत का मतलब स्वयं किए हुए, कारित मतलब करवाए हैं, दूसरों से करवा लिया हमने, स्वयं ने हिंसा की कृत किया, दूसरे से हिंसा करवा दी जिसको हमें मरवाना है, जिसकी हानि करनी है तो कारित हो गया, जिसकी चोरी करवानी है दूसरे से करवा दी, स्वयं नहीं की, ये भी वितर्क ही कहलाएगा। मात्र स्वयं करना नहीं, दूसरे से करवा रहे हैं वो भी योग में वैसे बाधक है, कारित। और तीसरा है अनुमोदित, वितर्क का समर्थन कर देना, वो समर्थन कैसे भी हो सकता है, अनुमोदन हमने किया, अच्छा है, अच्छा किया आपने, ये दूसरे का अनुमोदन किया, गलत कार्य का समर्थन कर दिया, ये भी वितर्क में ही आएगा, हमारे लिए ये भी हानिकारक है। तो हिंसा आदि तीन प्रकार के, कृत कारित और अनुमोदित। तो मान लो हिंसा है तो हिंसा के ये तीन भेद हो गए, जितनी भी हिंसा है उनको तीन भागों में बांट सकते हैं, कृत कारित और अनुमोदित। अब हिंसा आदि वितर्क क्यों होते हैं, उसके पीछे जो आधारभूत तीन चीजें हैं उनको जोड़ रहे हैं। तो कहा लोभ क्रोध मोह पूर्वक, ये जो वितर्क हैं वो लोभ पूर्वक हो सकते हैं, क्रोध पूर्वक हो सकते हैं और मोह पूर्वक हो सकते हैं। कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो किसी लोभ के कारण से कर सकता है, आवश्यक नहीं कि जब जब हिंसा हो रही हो तो लोभ के कारण ही हो रही हो, लेकिन लोभ के कारण भी हिंसा होती है। दूसरा है क्रोध के कारण से, प्रतिशोध के कारण से हिंसा हो रही है, लोभ के कारण नहीं, बस हानि पहुंचानी है दूसरे को, प्रतिशोध की भावना है, यह क्रोध पूर्वक। और तीसरा है मोह पूर्वक, अज्ञानता में, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान के कारण से हम हिंसा कर रहे हैं, यह मोह पूर्वक कहलाएगा। तो लोभ क्रोध मोह पूर्वक तीन प्रकार से होती है। तब इसकी दृष्टि से देखेंगे तो कृतकारित और अनुमोदित तीन थे, हिंसा के कृतकारित अनुमोदित, ऐसे अहिंसा सत्य अस्त्य सब पे लगा लेंगे, ये हिंसा के थे तो वहां झूठ पे लगा लेंगे, असत्य पे लगा लेंगे। तो जो कृत था वो कृत भी तीन प्रकार का हो गया, लोभ पूर्वक क्रोध पूर्वक और मोह पूर्वक। कारित पे भी ऐसे ही लगाएंगे, लोभ पूर्वक क्रोध पूर्वक मोह पूर्वक, और अनुमोदित पे भी तीनों तरह से लगाएंगे, लोभ पूर्वक क्रोध पूर्वक और मोह पूर्वक। तो तीन को तीन 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 बार किया तो नौ भेद हो गए, ये कृत कारित और अनुमोदित और लोभ क्रोध मोह पूर्वक। अब उसके आगे कहा मृदु मध्याधि मात्रा, मृदु मध्य और अधिमात्र, मृदु मतलब कम मात्रा में होते हैं, हल्के हैं, मध्य थोड़े वेग अधिक है, और अधिमात्र मतलब बहुत अधिक वेग है, अधिमात्र शब्द, मृदु मध्य और अधिमात्र, ये इनकी गुणवत्ता की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से भेद किए गए। तो कृतकारित और अनुमोदित और उनके जो लोभ क्रोध मोह पूर्वक करके हमने नौ भेद किए थे, उन नौ में सबके साथ में ये तीनों बातें घटेंगी, जो नौ थे उन सबके साथ में ये बात घटेगी, या तो वो मृदु होंगे कृतकारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वक कोई सा भी हो, तो मृदु होंगे, मध्य होंगे या अधिमात्र होंगे, तीन भेद कर दिए, तो ऐसे मिला करके 27 भेद हो जाएंगे, नौ थे और नौ तिया 27। आगे दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम, ये दुख और अज्ञान को देने वाले हैं, कैसे, अनंत, अनंत फल वाले हैं, जिस जिनका अंत नहीं होता है वो अनंत है। एक अनंत का मतलब होता है बहुत अधिक, अधिक भी है लिया जा सकता है, और एक है कि इतना दुख मिलेगा कि कोई सीमा ही नहीं उसकी,
चाहे हमने कुछ भी वितर्क किया, उसका इतना दुख मिलेगा कि उस दुख की कोई सीमा नहीं है। लेकिन दुख की तो सीमा होती है, पता लगता है कम या अधिक, लेकिन रहता है। तो मात्रा की दृष्टि से यूं अनंतता हमारी समझ में नहीं आएगी, होती नहीं है। और इसी तरह कहा अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान भी अनंत कैसे हो सकता है? थोड़ा होगा, अधिक होगा, अनंत कैसे हो सकता है? मात्रा की दृष्टि से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी यहां कहा दुख ज्ञान अनंत फला, अनंत फल वाले होते हैं। तो इसको काल की दृष्टि से हमें देखना चाहिए, क्रम की प्रवाह से ये अनंतता की तरफ जाएगा। जब हमने ये गलत कर्म किए तो उससे हमें दुख मिलेगा, मिलेगा तो निश्चित ही, न्याय व्यवस्था है, जितना कर जैसा कर्म किया है जितना किया उतना मिलेगा, वो निश्चित ही होगा, क्योंकि कर्म निश्चित था तो फल भी निश्चित आएगा दुख। लेकिन वो प्रक्रिया ऐसी चलेगी कि एक बार दुखी हुए उससे, और फिर दंड के रूप में दुखी हुए, लेकिन हमने अच्छा मान करके किया था, उसको लाभ के लिए किया था, फिर करेंगे हम उसको, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, बार बार करते जाएंगे बार बार करते जाएंगे, और इसलिए बार बार दुख आता जाएगा। इस दृष्टि से वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। यदि हम वितर्कों की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी कभी समाप्ति नहीं होने वाली है। एक के बाद एक नए नए वितर्क करते जाएंगे, इसलिए एक के बाद एक नए नए दुख आते चले जाएंगे। इस दृष्टि से ये अनंत चलता रहेगा, कोई सीमा नहीं इसकी। तो वितर्कों से दुख होता है, एक ये बात, और दूसरा अज्ञान भी का। हम जब प्रतिपक्ष भावना करते हैं तो अधिकांश में क्या होता है, हम दुख को देखते हैं, इससे ये हानि हो जाएगी, इससे ये दुख होगा, ये दुख होगा, ये कष्ट आएगा, ये पीड़ा होगी, इत्यादि हम देखते हैं। किसी वस्तु की हानि भी देखते हैं तो फिर दुख ही देखते हैं उसमें, सामान्यतः यही रहता है। लेकिन यह दूसरी बात भी कही गई, अज्ञान। वितर्कों के करने से अज्ञान भी आता है, क्योंकि विशेष भावना से युक्त होकर के हमने वितर्कों को, हिंसा आदि को किया है। उस समय, उससे पहले वो सब हमारा विचार चलता रहा, वृत्ति चलती रही, और उससे हमारे ऊपर संस्कार पड़ता रहा। तो वो संस्कार पड़ता हुआ ज्ञान के रूप में, मिथ्या ज्ञान के रूप में आ गया हमारे अंदर, तो ये भी तो उसका फल है। जो दुख मिलेगा वो तो दंड व्यवस्था से मिलेगा, ईश्वर न्यायकारी है, और जो हमारे पे संस्कार पड़ गए हैं उसके, और अधिक संस्कार और अधिक संस्कार, ये अज्ञान कहलाएगा। गलत कार्य को करने से उससे संबंधित अज्ञान और बढ़ जाता है। गलत कार्य किया उसके पीछे हमारा अज्ञान, मिथ्या ज्ञान काम कर ही रहा है, और जब उस कर्म को करेंगे तो वो मिथ्या ज्ञान और बढ़ेगा, कम नहीं होने का, अगर उसी प्रवृत्ति में हम चलते चले जा रहे हैं तो। और हमारा संस्कार पड़ा वो और पुष्ट हो गया, अब फिर करेंगे और फिर संस्कार पड़ेगा, फिर अविद्या बनेगी, फिर और करेंगे, फिर अविद्या बनेगी, संस्कार बनेगा, कब तक, कोई सीमा नहीं है। तो ये अविद्या भी अनंत रहेगी, अनंत काल तक बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, कुछ समाप्ति नहीं होने वाली है अगर ऐसे ही चलते रहे तो। इसलिए कहा कि कैसा दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना, ये प्रतिपक्ष भावना है। तो सूत्र में प्रतिपक्ष भावना को बताया गया, और लेकिन मुख्य प्रतिपक्ष भावना क्या है यहां पर, प्रतिपक्ष भावना का क्षेत्र क्या है, दुख ज्ञान अनंत फला इति, बस इतना ही प्रतिपक्ष भावना का है। उससे पहले का जो है ये तो वितर्कों के स्वरूप को बताया गया है। वितर्क के स्वरूप को बताया गया, वो अपने आप में प्रतिपक्ष भावना नहीं है, प्रसंग वशात उसको बता दिया गया है। कई बार प्रतिपक्ष भावना पूछते हैं, अभी प्रतिपक्ष भावना क्या है, देख पूरे सूत्र को बोल देते हैं, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए, सूत्र बोला जा सकता है, पूरा है, सूत्रकार ने भी लिखा ही है, लेकिन इसमें प्रतिपक्ष भावना वाला जो बिंदु है वो केवल दुख अज्ञान अनंत फला इति, बस ये है, बाकी तो स्वरूप है वितर्कों का। अब यहां कृतकारित और अनुमोदित ये भेद किए गए, लोभ क्रोध मोह पूर्वक किए गए, मृदु मध्य अधिमात्र किए गए, तो कल वाली बात थी इसमें शारीरिक मानसिक और वाचनिक ये भेद नहीं किए गए, कर सकते थे ना, कृतकारित अनुमोदित वो तीनों से हो सकते हैं।
शरीर से, मन से, वचन से, लेकिन वो किया नहीं उन्होंने। अब कई जने कृत कार्य तो अनुमोदित से ही शारीरिक मानसिक और शारीरिक वाचनिक और मानसिक ये अर्थ निकालते हैं, बोले नहीं ये है यहां पर। कृत का मतलब है शरीर से किया, कृत का मतलब शारीरिक हो गया, कारित मतलब दूसरे से करवाया है, तो दूसरे से करवाया तो बोल के करवाते हैं, तो वाचनिक हो गया, और अनुमोदित अनुमोदन करते हैं मन से तो मानसिक हो गया। तो कृत का मतलब शारीरिक, कारित का मतलब वाचनिक, और अनुमोदित का मतलब है मानसिक। ऐसा कई जने संगति करते हैं, क्योंकि यह लिखा नहीं है शारीरिक वाचनिक और मानसिक, तो यही इसी में से निकालते हैं, लेकिन यह बात संगत नहीं है। जो कृत है वो कृत केवल शरीर से होता हो ऐसी तो बात नहीं है, ठीक है। हिंसा हमने की शरीर से की, हिंसा वाणी से भी तो कर सकते हैं, शरीर से ही थोड़ा ना होती है। सत्य है, असत्य बोलेंगे, असत्य शरीर से ही थोड़ा ना बोला जाता है, मुख्य तो वाणी से बोला जाता है। तो कृत का मतलब शारीरिक ये अर्थ लेना असंगत है। चोरी है, ठीक है शरीर से ही करेंगे, तो कुछ चीजें शरीर से है, लेकिन जो जो कृत है वो शरीर से है ऐसा नहीं कह सकते, वाणी से भी करते हैं, मन से भी कर सकते हैं। कारित दूसरे से करवाना, तो दूसरे से जो करवाना है वो हमेशा वाणी से ही करवाया जाता है, ये तो कोई आवश्यक नहीं है, हम शरीर से भी करवा सकते हैं, शरीर का बल प्रयोग करके वाणी का भी प्रयोग कर लिया, शरीर का भी प्रयोग किया, मारपीट करके दबा करके उससे कुछ गलत कार्य करवा लिया। और अनुमोदन, अनुमोदन केवल वाणी से ही, मन से ही नहीं होता है, वाणी से भी हो सकता है, हम वाणी से समर्थन कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने, ऐसा ही करना चाहिए, बहुत श्रेष्ठ कार्य किया आपने, दुष्ट व्यक्ति था मेरे को भी बहुत हानि पहुंचाता था, वो वास्तव में दुष्ट है या नहीं अलग बात है, इसने कर दिया। तो अनुमोदन केवल मन से होता हो ये नहीं, वाणी से भी बहुत अनुमोदन होता है और शरीर से भी हो सकता है, और कुछ नहीं तो हमने जाकर के उसको कुछ राशि दे दी, धन दे दिया, कोई वस्तु दे दी, उसको रहने को मकान दे दिया, सुरक्षा दे दी, और कुछ नहीं तो उसकी पीठ ही थपथपा दी, वाणी से कुछ नहीं कहा, उसकी पीठ थपथपा दी, तो ये भी तो अनुमोदन हो गया। तो ये कोई नियम नहीं कि अनुमोदन केवल मानसिक ही होता है, सभी तरह हो सकते हैं। इसलिए यहां कृत कारित और अनुमोदित से शारीरिक वाचनिक और मानसिक अर्थ लेने का जो तात्पर्य है वो पूरी तरह नहीं घटता है, वैसे नहीं लेना चाहिए, ये शास्त्रकार का तात्पर्य नहीं है। उन्होंने इसलिए भी नहीं दिया है क्योंकि जितने यम नियम हैं वो सारे के सारे तीनों तीनों तरह से नहीं होते। जैसे हम सामान्यतया व्याख्या में विस्तार करते हैं तो जोड़ देते हैं सबके साथ तीनों चीजें, मन से भी हिंसा होती है, लेकिन यहां सबके लिए निर्धारित है, कुछ शरीर से है, कुछ वाणी से है, कुछ मन से है, तो उतना उतना ग्रहण करना है। इसलिए अलग से ये तीन भेद नहीं किए गए, शारीरिक वाचनिक और मानसिक, तो ये 27 भेद हुए, उसके अलावा भी और 27 के फिर और तीन तीन इन्होंने भेद किए हैं जो व्यास भाष्य में किए हैं व्यास जी ने, तो ऐसा करके 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 81, इसलिए वो कहा जाता है कि 81 प्रकार की हिंसा योग दर्शन में बताई गई है, प्रकार है उसके, ऐसे ही सब पे भी घटा सकते हैं। भाष्य देखिए, तत्र हिंसा तावत, हिंसा क्या है, तीन प्रकार की, कृतकारिता अनुमोद कृतकारित अनुमोदिता इति त्रिधा, ये तीन प्रकार की है, विषय समझ ही चुके हैं हम। एकई का पुनः त्रिधा, एक एक जो है ये कृतकारिता अनुमोदित, ये तीन तीन प्रकार की हैं। कैसे, लोभेन, लोभ से, जैसे कि उदाहरण दिया मांस चर्मार्थेन, किसी पशु को इसलिए मार रहा है उसका मांस और चर्म मिले, हड्डी मिले इत्यादि, उसके प्रति क्रोध नहीं है, प्रतिशोध नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह भी नहीं है, अज्ञानता भी नहीं है, वो चीजें प्राप्त होती है वहां से अगर मार दें तो, ये लोभ के कारण से है। दूसरा, क्रोध है ना अपकृतम अनेन इति, हमें उसके प्रति क्रोध है, इसने मेरी ये हानि की, इसने ये किया, मेरा अपयश किया, मेरे को मेरा धन चुरा लिया, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे जानवरों को, फसल खराब कर दी इत्यादि, ये जो प्रतिशोध है, इसलिए सोचना
ये होगा क्रोध से। मोह से कहा मोहेन धर्मों में भविष्यति इति, इसको मारूंगा तो मेरे को धर्म हो जाएगा, पुण्य लाभ हो जाएगा, ये अज्ञानता से जुड़ा हुआ है। अब हालांकि ये मेरा धर्म हो जाएगा और धर्म से क्या होगा, मेरे को सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, यूं तो लाभ है वहां पर, उसको लोभ में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें अज्ञानता मुख्य है। मिलेगा नहीं वैसा, वो सोच ऐसा रहा है कि मैं ऐसे ऐसे इस पशु की बलि दे दूंगा, इस मनुष्य की बच्चे की बलि दे दूंगा, इसके सामने इसका खून चढ़ा दूंगा, इसका सिर चढ़ा दूंगा, इसकी उंगलियां चढ़ा दूंगा, तो मेरे को ये लाभ हो जाएगा। तो ये जो सोच रहा है वो मेरा धर्म हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ये मिथ्या ज्ञान है, मोह है, अज्ञान है, ये अज्ञान पूर्वक हिंसा की जा रही है। सीधे सीधे उससे कोई लोभ नहीं है उसको, और न ही उसके प्रति क्रोध है, लेकिन मोह है। तो लोभ क्रोध मोह पूर्वक तीन प्रकार की हो गई। आगे कहा लोभ क्रोध मोहा पुनस्त्रिविधा मृदु मध्यादि मात्रा इति। लोभ क्रोध मोह कैसे हैं? तीन प्रकार के, मृदु मध्य और अधिमात्रा। एवं सप्तविंशतिर भेदा भवन्ति अहिंसाया हिंसाया। इस प्रकार से ये 27 भेद हुए, तीन तीन और तीन, तीन तीन नौ और नौ तीन 27। अब इसके तीन भेद और कर रहे हैं भाष्यकार। मृदु मध्यादि मात्रा पुनस्त्रिविधा, ये मृदु मध्य और अधिमात्र जो कथन किए गए थे, ये भी फिर प्रत्येक तीन तीन प्रकार का होता है। कैसे? तो मृदु को भी उन्होंने मृदु मृदु, मृदु कैसा है? मृदु में भी मृदु है, मध्य मृदु, मृदु तो है लेकिन मध्य स्तर का है, और तीव्र मृदु, मृदु तो है लेकिन उसमें भी तीव्रता है। एक वर्गीकरण है, नीचे से ऊपर तक मृदु के क्षेत्र में भी तीन भाग कर दिए। अब चाहे तो इसके भी और भेद कर दीजिए, वो तो असंख्य भेद हो जाएंगे, और एक मोटे तौर पे ये बताना चाहते हैं कि हिंसा हुई है वो बहुत तरह से हो सकती है। हिंसा हुई है इसका मतलब वो सब समान हिंसा होती है ये नहीं, भेद है उसके अंदर, बहुत तरह का भेद है। तो ये मृदु मृदु, मृदु मध्य और मृदु तीव्र मृदु, ये तीन प्रकार से होगा, मध्य मृदु तीव्र मृदु। अब इसी तरह से मध्य के लिए कह दिया तथा मृदु मध्य, मध्य वाला है वो भी मृदु नीचे, मध्य मध्य वो बीच का हो गया, और तीव्र मध्य मध्य में भी सबसे ऊपर का हो गया। तथा अब अधिमात्र के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहां वाक्य रचना में तीव्र शब्द आ गया, मृदु तीव्र, जो तीव्र है, तीव्र मतलब अधिमात्र ही है यहां पर, या तो तीव्र की जगह अधिमात्र शब्द का प्रयोग करेंगे। तो मृदु तीव्र, तीव्र में भी जो में कम है, मध्य तीव्र, मध्यम स्तर का है, और अधिमात्र तीव्र, तीव्र में भी सबसे ऊपर है। अथवा इसको हम यूं सूत्र की रचना के आधार पर देखें तो मृदु मध्य और अधिमात्र है, तो यहां पर होना चाहिए मृदु अधिमात्र, मध्य अधिमात्र और तीव्र अधिमात्र। इस तरह की वाक्य रचना से भी कर लें, लेकिन तात्पर्य हमें इससे भी पता लग रहा है। आगे इति एवं एकाशीति भेदा हिंसा भवती, इस प्रकार 81 प्रकार की हिंसा होती है। सा पुनर्नियम विकल्प समुच्चय भेदात असंख्येय। अब इसके अगर और भेद भी कर दिए जाएं तो उसकी कोई गणना नहीं रहेगी, असंख्य हो जाएगी। कैसे? नियम के भेद से, किसी ने नियम कर रखा है, किसी ने कुछ नियम कर रखा है कि मैं इसको मारूंगा और को नहीं मारूंगा, केवल इसको मारूंगा, किसी ने इसका, किसी ने इसका, किसी ने इसका, अलग 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 अलग। अब कोई और प्राणियों को मारता है लेकिन गाय को नहीं मारता, उसके लिए वो पवित्र है, लेकिन औरों को तो मार रहा है। इसी तरह से और भी कोई नियम कर सकता है, तो सबके अलग अलग नियम हो सकते हैं। कितने नियम हो सकते हैं, किस प्राणी के लिए, किसके लिए? तो नियम। दूसरा है विकल्प, विकल्प का मतलब है इसको मारूं, या तो इसको मारूंगा या इसको मारूंगा, दोनों को नहीं मारूंगा, इन्हीं दोनों में से किसी को, ये विकल्प हो गया। ये विकल्प भी कोई कितना भी विकल्प कर सकता है, अपने अपने मन में विकल्प कर सकता है, कर्म में आएगा विकल्प। और समुच्चय, समुच्चय का मतलब है सबको, इन सबको मारूंगा, इन सबको मारूंगा, ये समूह के रूप में सब प्राणियों को मारूंगा, सब गायों को मारूंगा, सब भेड़ों को मारूंगा, सब सुअरों को मारूंगा, ये जो समूह है। अब उसके अंदर भी व्यक्ति सोच लेता है कि नहीं, मेरी जो है इनको नहीं, औरों की मारूंगा। समुच्चय तो कर रहा है, कहीं छोड़ दिया, कहीं कुछ कर दिया, अपने अपने ढंग से, इस गांव की नहीं मारूंगा, दूसरे गांव की मारूंगा, इत्यादि। तो
नियम विकल्प समुच्चय के भेद से असंख्य है। और भी कहा, और कैसे भेद हो सकते हैं? प्राण भृत भेद से अपरिसंख्येयत्वादिति, जो प्राणधारी हैं, प्राण भृत प्राणियों को जिन्होंने धारण करता है, उनके भेद के अपरिसंख्येय होने से, उनकी कोई संख्या नहीं है, कितने प्राणी हैं, कितनी तरह के प्राणी हैं, 84 लाख योनियां कही जाती हैं, ये भी बहुत है, और उसमें भी और उपभेद करते चले जाएं या उससे भी ज्यादा कितनी भी हो सकती है, तो एक बड़ी संख्या बताई गई है। तो प्राणी की प्रजातियां ही बहुत सारी हैं, और एक एक प्रजाति में भी कितने प्राणी हैं, बहुत हैं, और पिछले साल के मच्छर और इस साल के मच्छर और इस साल अलग अलग बदलते रहते हैं, प्राणियों की क्या कोई सीमा है क्या, इतने ही प्राणी हैं अभी वर्तमान में, उन्हीं को गिनना हमारे लिए असंभव जैसा है, और पीछे के आगे के हमारे जीवन भर में जितने हो रहे हैं वो कोई सीमा नहीं है। इस प्राणी की हिंसा अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, हम सब प्राणियों की हिंसा अलग अलग प्रकार की होगी, अलग अलग दंड होंगे उसके, उनकी उपयोगिता के आधार पर और स्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। तो प्राणभृत भेद से अपरिसंख्येयत्वादिति, तो असंख्य हो गए, एवं अनृतादिषु अपि योज्यम, इसी प्रकार से झूठ आदि पर भी लगा लेना चाहिए, जो अन्य वितर्क हैं उनके भी इसी तरह से भेद कर लेंगे। झूठ भी कृतकारित अनुमोदित, लोभ क्रोध मोह पूर्वक, मृदु मध्य अधिमात्र, चोरी भी इसी तरह की, ऐसे सारे के सारे इन भेदों से युक्त हैं, और उसके आधार पर हमें निर्णय करना चाहिए। और चूंकि इतने भेद हैं, अगर इन भेदों का हमें स्पष्टीकरण नहीं हो तो हमारे व्यवहार ठीक नहीं होंगे। हम अपने लिए भी सोच सकते हैं कि पहले भी मैं हिंसा करता था, आज भी हिंसा करता हूं, हिंसा तो है, भाई हिंसा तो है, लेकिन पहले की अपेक्षा इन भेदों में अंतर आया ही नहीं। हिंसा अधिमात्र होती है या मध्य होती है, मृदु होती है, भेद आ जाएगा ना, कृत है, कारित है, अनुमोदित है, लोभ के कारण, मोह के कारण, पहले कैसे करता था, अब कैसे करता हूं, क्या अंतर आया, जब इतने सारे भेद हमें पता होते हैं तो हमें अपना आकलन करने में, अन्यों का आकलन करने में आ जाता है कि हाँ ये कम है, ये अधिक है, दोनों में तुलना, हिंसा तो दोनों कर रहे हैं लेकिन नहीं, ये कम कर रहा है, ये अधिक कर रहा है, हम निर्णय कर सकते हैं इसके साथ रहना है, नहीं रहना है, इससे सहयोग करना है, नहीं करना है, ये तरतम का भेद देखा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जितने भी हिंसक हैं सब एक समान है, जितने भी चोर हैं तो सब एक ही समान है, सब में बहुत भिन्नता होती है और उससे हमारे व्यवहार में भी अंतर आएगा, किससे हम कितना व्यवहार करना है, किससे बिल्कुल नहीं करना है, किससे थोड़ा करना है, तो इन भेदों से स्पष्टता अपने प्रति और दूसरों के प्रति होती है। अब इसका जो हानि बताई है, दुख अज्ञान अनंत फला, उसकी व्याख्या आगे व्यास जी ने और की है, उसको आगे देखेंगे। प्रणवतो ओ।